देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जैसा कि यह सवाल है एक्स डी एक्स वन प्लस रूट एक्स, तो ये होगा कैसे यार यार यार। पहले तो जब ऐसा सवाल आए किसी नए वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब बताओ मैं ये खेल खेल रहा हूँ कि रूट एक्स को जेड मान लिया, ऑटोमेटिकली जेड स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ना एक एक्स था एक रूट एक्स था, अब डी एक्स भी निकालना पड़ेगा। चलो भाई अगर जेड अंडर रूट एक्स के बराबर है इसका मतलब एक्स की बार हाफ है, डेरिवेटिव ले लो डी जेड अपॉन डी एक्स जो कि हो जाएगा हाफ एक्स की बार माइनस हाफ, डेरिवेटिव का रूल है यार सिंपल। तो डी जेड बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से डी जेड हो जाएगा डी एक्स अपॉन टू रूट एक्स, ऐसे ही है ना, और डी एक्स चाहिए तो डी एक्स हो जाएगा टू रूट एक्स डी जेड, और ज़ाहिर है रूट एक्स हमने किसके इक्वल लिया है भाई जेड के इक्वल लिया है, तो अब सारा जेड में कन्वर्ट कर दो ना सब कुछ, डी एक्स हो गया टू जेड टी जेड, रूट एक्स हो गया जेड और एक्स हो गया जेड स्क्वायर। चलो यार यहाँ ही आ गई बात, ओके एक्स की जगह जेड स्क्वायर डी एक्स की जगह टू जेड वन प्लस जेड। अब ये टू तो बाहर चला जाएगा जेड स्क्वायर और जेड जेड क्यूब आ गया, अब क्या करें। एक तरीका तो होता है यार लोग इसके सिंथेटिक डिवीजन करते हैं फंस जाओगे, दिमाग यूज़ करो यार इतने दिन से ही तो सिखा रहा हूँ, वन प्लस भी कर दो वन माइनस भी कर दो, जेड क्यूब प्लस वन माइनस वन और नीचे है वन प्लस जेड, और से देखो घूर के देखो तो कौन सा फार्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ हाँ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस वन को पले रखो ठीक है, इसको साइड पर करता हूँ। ओके जी वन प्लस जेड नीचे ये जेड प्लस वन भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस वन को भी अलग रखा हुआ है। अब क्या हुआ यहाँ देखो वन प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, ये टू बाहर ही है इधर से बच रहा है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, इसके नीचे वाला वन प्लस जेड तो कैंसिल हो गया, यहाँ इस वन के नीचे आ जाएगा वन प्लस जेड। अब क्या करें, अब देखो टू तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, अब सबकी इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, जेड स्क्वायर की क्या हो जाएगी जेड क्यूब अपॉन थ्री टू आ जाएगा, खाली जेड की क्या हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन टू टू, यहाँ ये दोनों टू कैंसिल भी हो जाएंगे, खाली वन की जेड होती है ये बाहर वाला टू आ जाएगा, और ये देखो अपॉन में है डिनोमिनेटर सिंगल पावर एल एन आना चाहिए बाहर वाला टू भी आ जाएगा एल एन जेड प्लस वन, ऑसम बच्चों ऑसम। अब क्या करें टू अपॉन थ्री तो ये हो गया, एक्स क्यूब को क्या लिखें, अरे मेरे भाई जब रूट एक्स जेड था जेड स्क्वायर एक्स था तो जेड क्यूब एक्स की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, तो देखो ना जेड क्यूब की जगह एक्स की पावर थ्री बाई टू और जेड स्क्वायर की जगह एक्स जेड की जगह रूट एक्स माइनस टू एल एन रूट एक्स प्लस वन प्लस सी भी आ गया, बच्चों ये तो हो गया सॉल्व।